हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। आर एंड डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी डिफरेंट है। हमारा टॉपिक आज है कि लिंक्डइन में आप कैंपेन मैनेजर अकाउंट आप कैसे सेट करें। फ्रेंड्स, आपने सही सुना, मैं बता रहा हूं कि आज हम सीखेंगे लिंक्डइन में जो कैंपेन मैनेजर अकाउंट होता है उसको आपको कैसे सेट करना है। आपको पहले बता दूं कि आपको लिंक्डइन में कैंपेन मैनेजर अकाउंट सेट क्यों करना है। अगर आप लिंक्डइन में कोई भी आप ऐड रन करना चाहते हैं, कोई भी स्पॉन्सर्ड ऐड आप लिंक्डइन में रन करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आपका कैंपेन मैनेजर अकाउंट आपका होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि लिंक्डइन में भी ऐड दिया जाता है। लिंक्डइन में भी फेसबुक के तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐड है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड के बाद लिंक्डइन अभी दुनिया के सबसे ट्रेंडिंग और सबसे बड़ा प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बिजनेस मिल सकते हैं। यानी अगर आप B2B बिजनेस से है और आपके टारगेट ऑडियंस B2B है और आप ब्रांडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, इसके लिए लिंक्डइन जो है अभी के टाइम पे सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यानी यहाँ पे आप गूगल के तरफ, यहाँ पे आप फेसबुक के तरफ, यहाँ पे लीड जनरेशन कैंपेन, यहाँ पे आप आपके ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन, यहाँ पे आप आपके रीच एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पे आप ड्राइव कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर आपको फेसबुक आता है, यानी फेसबुक के आपको ऐड रन करना आता है या फेसबुक ऐड आप समझते हैं, तो सिमिलरली सेम टू सेम जो है वो लिंक्डइन है। फेसबुक जो है वो सोशल मीडिया के लिए है, यानी जनरल पब्लिक के लिए है, और लिंक्डइन जो है ये कम्प्लीटली प्रोफेशनल पब्लिक के लिए है। सो इसके लिए अगर आप लिंक्डइन में B2B आप ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, लिंक्डइन में अगर आप मान लीजिए कि कोई भी ऐड रन करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि लिंक्डइन में आपका कैंपेन मैनेजर अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पे मैं बता दूँ फ्रेंड्स, ब्रांड अवेयरनेस के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बट ध्यान रखें कि लिंक्डइन का जो कॉस्ट है दूसरे सोशल मीडिया कैंपेन के कंपैरिजन में, यानी अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूं इसको फेसबुक के साथ, फेसबुक के कंपैरिजन में लिंक्डइन के कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई है। मैं यहां पे आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस हाई वैल्यू हो, मान लीजिए कि आपके कोई भी एक ऑर्डर का वैल्यू 50,000 है, 1 लाख से, 2 लाख से, उस केस में आपके लिए लिंक्डइन बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे लीड कन्वर्जन रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मोर देन 50% यहाँ पे लीड कन्वर्जन रेशियो होता है। मान लीजिए कि आपका ऑर्डर वैल्यू कम है, यानी आपका पर ऑर्डर वैल्यू किसी का 500 रुपीज़ है, किसका 1,000 रुपीज़ है, किसका 2,000 रुपीज़ है, इवन किसका 5,000, 10,000 रुपीज़ है, तो उस केस में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपके लिए लिंक्डइन फिर सही प्लेटफॉर्म नहीं है, बिकॉज ये प्रोफेशनल नेटवर्क है और यहाँ पे जो कॉस्ट है, ब्रांड अवेयरनेस के कॉस्ट हो या लीड जनरेशन के कॉस्ट हो, वो कंपैरेटिवली दूसरे प्लेटफॉर्म से हाई है। इसके लिए आप सोच बूझ के यहाँ पे आप कैंपेन रन करिए। बट जिन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म है, जिनका बिजनेस वॉल्यूम या फिर ऑर्डर वैल्यू जो है ज़्यादा है, उनके लिए मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। शायद यहाँ पे आपको थोड़ा कम लीड मिल सकते हैं, बट जो लीड यहाँ पे आपको मिलेंगे उसका जो क्वालिटी होंगे वो फेसबुक के कंपैरिजन में कोई गुना बेहतर होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पड़ाव लिंक्डइन के जो ऐड रन करना है उसका सबसे पहला पड़ाव जो है वो है कि ऐड रन करने के लिए कैंपेन मैनेजर चाहिए। मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि कैंपेन मैनेजर कैसे क्रिएट करना है। जैसे बिजनेस फेसबुक में ऐड रन करने के लिए फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट की जरूरत होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे लिंक्डइन के लिए लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर अकाउंट का जरूरत होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि कैसे आपको कैंपेन मैनेजर अकाउंट लिंक्डइन में जनरेट करना है। सो फ्रेंड्स, हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। सो मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको आपके जो कैंपेन मैनेजर है वो कैसे क्रिएट करना है, कैंपेन मैनेजर अकाउंट आपको कैसे क्रिएट करना है। ये मैं डमी आपको बना के दिखा रहा हूँ। सो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके जो प्रोफाइल है, यानी जिस पेज पे आप, जिस आईडी पे आपने आपका बिजनेस पेज क्रिएट किए हैं, तो आपके जो पर्सनल अकाउंट होंगे या आप जहाँ पे आपके बिजनेस अकाउंट क्रिएट किए हैं वहाँ पे आपको लॉग इन कर लेना पड़ेगा। जैसे कि एक मैं मेरा एक प्रोफाइल में मैंने लॉग इन किया है, तो
सो लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे जो वर्क आपको दिख रहा है, मेरे माउस देखिए, टॉप में होम माई नेटवर्क जॉब ऐसे करके राइट हैंड साइड में वर्क करके है, वहां पे आपको क्लिक करना है। तो हम क्लिक करते हैं यहाँ पे वर्क। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखेंगे एक विंडो पॉपअप होगा, ये देखिए एक विंडो पॉपअप हुआ। सो हमने इस वर्क के ऊपर क्लिक किए, विंडो पॉपअप हुआ, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, पोस्ट ए जॉब, लर्निंग, इनसाइट्स। अभी एडवर्टाइज के ऊपर हमें क्लिक करना है, तो पहले हमें क्या करना है, प्रोफाइल लॉगिन कर लेना है, उसके बाद हमें वर्क के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद हमें एडवर्टाइज के ऊपर क्लिक करना है। सो आपको एडवर्टाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, उस पेज के डिटेल्स आपको भरने रहेंगे। सो आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग हो रहा है। सो देखिए लिखा आ गया कि वेलकम टू कैंपेन मैनेजर बंसीधर। सो ये लिखा आ गया। अभी यहाँ पे अकाउंट नेम, तो ये अकाउंट नेम क्या रखना है आप डिसाइड कर सकते हैं, आप आपके नाम से कर सकते हैं या फिर आप आपके कोई क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम भी रख सकते हैं। तो अभी मान लीजिए कि मैं इसको रखता हूँ R&D, हम इसको हमारे हिसाब से, मतलब यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, R&D और अकाउंट हमने रखे है। और उसके बाद देखिए करेंसी आपको सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे आपको खास ये ध्यान रखना है कि अभी मान लीजिए कि हम इंडिया से है, भारत से है, तो आपको यहाँ पे इंडियन रुपी सिलेक्ट करना रहेगा। आप अगर गलती से यहाँ पे डॉलर या दूसरे कंट्रीज के करेंसी आपने सिलेक्ट किए तो आपको ज्यादा चार्ज लग सकता है। तो बहुत सारे जो न्यू एडवर्टाइजर है वो गलती करते हैं कि वो USD सिलेक्ट करते हैं, बट आपको आपके आप जिस अकाउंट से ऐड रन करेंगे या जिस अकाउंट आप कनेक्ट करेंगे, आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, वहां पे इंडियन रुपीज होंगे, बट जब आप USD में खर्चा करेंगे तो आपको ज्यादा चार्ज लग सकता है। इसके लिए आप यहाँ पे इंडियन रुपीज जो है इसको जरूर सिलेक्ट करें। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसोसिएट्स ए लिंक्डइन पेज विद योर अकाउंट, ये ऑप्शनल है, बट यहाँ पे आप इसमें आप जिस पेज के लिए आप करना चाहते हैं ऐड, उस पेज का URL आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हमारे एक R&D Digital का पेज है, उसको उसका URL मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो उसका URL पेस्ट किया, उसका URL पेस्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया। अभी ये क्रिएट क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा आ गया कि कैंपेन ग्रुप, यहाँ पे डिफॉल्ट कैंपेन ग्रुप और ये एक्टिव लिखा आ गया। सो इसको हम नेक्स्ट करते हैं, तो आपका आड अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। देखिए यहाँ पे आड अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे मैं मेरे माउस में आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देखिए R&D आड अकाउंट हमने क्रिएट किए थे, तो R&D आड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। यानी अब हम इस आड अकाउंट से आड हम रन कर पाएंगे और या कैंपेन हम रन कर पाएंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि यहाँ से आपको कैंपेन कैसे रन करना है। जैसे यहाँ पे देखिए कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स वगैरह दिख रहा है, जैसे फेसबुक में होता है अवेयरनेस या फिर कंसिडरेशन या फिर कन्वर्जन। तो ये आगे वाले वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि पहले तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है, बट इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि आपको आड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो आपको स्टेप याद रखना है, आपको पहले लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद आपको वर्क पे क्लिक करना है, वर्क पे क्लिक करने के बाद आपको एडवर्टाइज के लॉग इन किया, वर्क पे क्लिक किया, एडवर्टाइज के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद जो फॉर्म पॉपअप होगा उस फॉर्म में आपको आड अकाउंट का नाम सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको करेंसी सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपके जो भी आड अकाउंट से आप आड रन करना चाहते हैं उसका URL आप पेस्ट करेंगे, उसके बाद आप क्रिएट करेंगे तो आपका आड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे हमने अभी आपको क्रिएट करके दिखाया है। ये देखिए R&D आड अकाउंट। आपने देखा कि लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर जनरेट करना कितना आसान है, एकदम इजी स्टेप है। आप मेरे इस स्टेप को फॉलो करके आप कैंपेन मैनेजर अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। आप कैंपेन मैनेजर अकाउंट जनरेट करने के बाद मेरे वीडियो देख के आप कैंपेन मैनेजर अकाउंट अगर जनरेट किए तो प्लीज़ मेरे वीडियो में आप ज़रूर कमेंट करना कि इस वीडियो देखने के बाद आपको हेल्प हुआ और आपने कैंपेन मैनेजर क्रिएट कर पाए। सो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं इस टाइप के टेक्निकल वीडियो
मैं रोज लाता रहता हूँ, और आपको फ्री में मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सिखाने का प्रॉमिस किया है। इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है। मैं थोड़ा बता के फिर मेरा पेड सर्विस लेने के लिए डेफिनेटली नहीं बोलूँगा आपको। आपको हम कम्प्लीटली आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे डिजिटली लेके जाने के लिए हम इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इसके लिए आप हमारे R&D चैनल का वीडियो देखते रहिए। इस टाइप के कंप्लीट डिटेल में आप टेक्निकल चीज़ सीखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।